हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एसलॉग 3 फुटेज को कलर ग्रेड करना सीखेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो करें सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर जाके फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी हम अपनी फर्स्ट वीडियो को करेंगे टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग, और सेकेंड और थर्ड वीडियो को भी लेंगे। तो दोस्तों वीडियो लेने के बाद हम जाएंगे कलर्स। कलर्स में हम ल्यूमेट्रिक पैनल में जाएंगे और वहाँ पे है बेसिक करेक्शन। और आप देख सकते हैं बेसिक करेक्शन के जाने के बाद हम जो हमारा कंट्रास्ट है उसको कर देंगे 100। और कंट्रास्ट को 100 कर दिया है हमने, और हम थोड़ा सा हाइलाइट्स को करेंगे डाउन, और अपनी शेडो को भी थोड़ा सा डाउन कर देंगे। और सैचुरेशन को कर देंगे 110। करने के बाद हम जाएंगे क्रिएटिव्स में, और क्रिएटिव्स में हम जो हमारी शेडो टिंट और हाईलाइट टिंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब ग्रीननेस करेंगे, जो शेडो टिंट है उसको ग्रीन की तरफ ले जाएंगे, और जो हाईलाइट टिंट है उसको हम करेंगे ब्लूश की तरफ। ह्यूज सैचुरेशन कलर में जाने के बाद हम अपनी जो ग्रीनरी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों बिफोर एंड आफ्टर कितना फर्क पड़ चुका है हमारी फुटेज में, ये कलर ग्रेड हो चुकी है। और आप यहाँ से इसको बंद करेंगे और जाएंगे कलर्स व्हील एंड मैच, और यहाँ से शेडो को थोड़ा सा अप करेंगे, थोड़ा सा अप करेंगे मिड टोन को, थोड़ा सा डाउन करेंगे एंड हाइलाइट्स को थोड़ा सा डाउन। और आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि हमारी कलर ग्रेडिंग कैसे हो चुकी है। दोस्तों अभी हम सेकंड पार्ट को कलर ग्रेड करेंगे, और अभी हम जा रहे हैं बेसिक करेक्शन, और वही आप कंट्रास्ट को कर दें 100, शेडो को थोड़ा सा डाउन कर दें, हाइलाइट्स और
जो अपना एक्सपोजर है उसको अपने हिसाब से, अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है सो उसको कम कर लें, और अगर आपकी हाइलाइट्स ज़्यादा हैं तो कम, अगर कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं आप अपनी फुटेज के हिसाब से। तो हमने कॉन्ट्रास्ट और शैडो को छेड़ के अभी हम जाएंगे क्रिएटिव टैब्स में, और यहाँ पे हम करेंगे लट यूज़ करेंगे, और ये हमने लट यूज़ कर लिया, और हम लट की इंटेंसिटी को करेंगे 60 या 60 से थोड़ा ऊपर, 65%। जाएंगे हम कर्व में हम आरजीबी कर्व को थोड़ा सा, जो हमारी मिड टोन है उसको थोड़ा सा छेड़ेंगे, और आप देख सकते हैं हमारी फुटेज कलर ग्रेड हो चुकी है, बहुत ही अच्छा कलर ग्रेड हो चुका है हमारे फुटेज को। दोस्तों अब हम थर्ड जो फुटेज है हमारी उसको कलर ग्रेड करेंगे, तो वही अपना कंट्रास्ट 100 और शैडो को थोड़ा कर लेंगे डाउन। और अभी हम क्रिएटिव में जाके एक लट यूज करेंगे, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने एक लट यूज करा ऑरेंज एंड टेल नाम से, हाइलाइट्स टिंट को थोड़ा सा ब्लू शेड देंगे, और जो शेडो टिंट है उसको थोड़ी सी ब्राउन टोन, और दोस्तों आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर हमारी फुटेज, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो फुटेज है बिल्कुल कलर ग्रेड हो चुकी है। अभी हम तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने S-Log 3 फुटेज को कलर ग्रेड करा। ऐसे ही ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।